हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम घर पर एयर ड्राई क्ले बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन में 1/6 पार्ट बेबी ऑयल या कोई कुकिंग ऑयल या ग्लिसरीन, 1/6 पार्ट विनेगर या नींबू का रस, 1/6 पार्ट वाइट एक्रेलिक कलर और 1 पार्ट वाइट ग्लू लेकर उन्हें अच्छे तरीके से मिला लेंगे। वैसे तो इन्ग्रीडियंट्स को मिलाने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, पर मैं पहले वेट इन्ग्रीडियंट्स को मिलाना पसंद करती हूँ। ऑयल हमारे क्ले की स्टिकीनेस को दूर करता है, विनेगर या नींबू का रस हमारे क्ले को प्रिजर्व करता है और वाइट एक्रेलिक कलर क्ले को ट्रांसलूसेंट नहीं होने देता है। वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद उसमें हम 1 पार्ट कॉर्न स्टार्च डालेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि हमारे मिक्सचर में कोई भी लम्स ना हो। लम्स फ्री होने तक हम इसे मिलाएंगे। अगर आप पहली बार क्ले बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी में बनाइए, बस रेशियो का ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने बताया है वैसे ही इंग्रेडिएंट्स का रेशियो रखिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम इस मिक्सचर को गैस पर पकाएंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करके फ्लेम को सिंपर कर लेंगे। हमें क्ले को धीमी आंच पे ही पकाना है। पैन को आंच के ऊपर रखकर लगातार चम्मच चलाते जाएंगे ताकि क्ले में लम्स ना आए और क्ले का हर एक हिस्सा अच्छी तरीके से पके। जब हमारा मिक्सचर पैन को छोड़ने लगे और अपने आप में ही चिपकना शुरू हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रहे कि हमें मिक्सचर को ओवरकुक नहीं करना है। अब हमारा क्ले नीडिंग के लिए तैयार है। नीडिंग करने के पहले हम नीडिंग सरफेस पर और अपने हाथ पर बॉडी लोशन लगा लेंगे और नीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में क्ले हमारे हाथों पे चिपकेगा, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम इसे अच्छे तरीके से नीड करते जाएंगे ये हमारे हाथों पर चिपकना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्ले गर्म होगा, पर हमें क्ले के गर्म रहते में ही इसे नीड करना स्टार्ट कर देना है। अगर नीडिंग करते टाइम क्ले गीला लगे तो इसमें कॉर्न स्टार्च, और अगर सूखा लगे तो फेविकोल जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम क्ले को जितना ज़्यादा नीड करेंगे हमारा क्ले उतना ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल होगा। क्ले की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसे खींचें तो ये टीयर ड्रॉप शेप फॉर्म कर ले। और जब हम क्ले का गोला बनाएं या इसे फ्लैटन यानी चपटा करें तो इसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। इसकी सरफेस पे कोई क्रैक लाइन या क्रीजेस नहीं होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्ले को स्टोर करने के लिए हम क्ले का गोला बनाएंगे और इसके सरफेस पे बॉडी लोशन, वैसलीन या बॉडी क्रीम अप्लाई करेंगे। एक क्लिंग रैप के ऊपर भी बॉडी लोशन अप्लाई करेंगे और इसमें हम क्ले के गोले को लपेट कर रख देंगे। इसे हम एयर टाइट डब्बे में भरकर 5 से 6 महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। क्ले को कम से कम 10 से 12 घंटों के लिए सेट होने दें, इसके बाद ही इसके इस्तेमाल करें। अगर क्ले थोड़ा चिपचिपा हो तो इसका कारण हो सकता है कि क्ले थोड़ा अंडर कुक्ड हो। इसे ठीक करने के लिए हम क्ले को थोड़ी देर के लिए खुली हवा में छोड़ देंगे और टाइम टाइम पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। जब हमें लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है तो इसे फिर से एयरटाइट डब्बे में भरकर स्टोर कर लेंगे। अगर क्ले सुपर स्टिकी हो
तो इसका कारण हो सकता है कि क्ले अच्छी तरीके से पका ना हो। इसे ठीक करने के लिए हम क्ले को फिर से पैन में डालेंगे और दोबारा पकाएंगे। इस बार हम क्ले को अच्छी तरह से मिक्स और कुक करने का ट्राई करेंगे, पर ध्यान रहे हमें क्ले को ओवर कुक नहीं करना है। अगर क्ले रबरी या भुरभुरा हो गया है तो इसका कारण हो सकता है कि क्ले ओवर कुक हो गया हो। इस क्ले को वर्केबल बनाने के लिए हम अंडर कुक्ड क्ले और ओवर कुक्ड क्ले को एक साथ मिलाकर दोबारा नीट कर लेंगे, या फिर हम ओवर कुक्ड क्ले में थोड़ी सी मात्रा में वाइट ग्लू और कॉर्न स्टार्च डालकर दोबारा नीट कर लेंगे जब तक कि ये एक साथ ना आ जाए। लास्ट में क्ले मेकिंग से रिलेटेड कुछ एडिशनल टिप्स। क्ले को नीट करने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से या वेट वाइप से साफ कर लें और नीडिंग सरफेस को भी साफ कर लें, क्योंकि कोल्ड प्रोसलिन क्ले बहुत ही इजीली डस्ट और डर्ट पिक कर लेता है। क्ले बनाते वक्त व्हाइट कलर डालना ऑप्शनल है। अगर आप क्ले फिगरिन को कलर करने वाले हैं या क्ले के फिगरिन को बनाते वक्त उसमें कलर डालने वाले हैं तो व्हाइट कलर को डालना स्किप कर सकते हैं। क्ले बनाने के बाद पैन को पानी में डुबो कर रख दें, इसके कारण पैन को क्लीन करना इजी हो जाएगा। कोल्ड प्रोसलिन क्ले के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए।